अयोध्या तैयार है प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है लेकिन राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश देने वाले जज की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जज के एम पांडे जस्टिस के एम पांडे गोरखपुर के रहने वाले जस्टिस के एम पांडे के नाम पर गोरखपुर में आप चले जाएं तो एक सड़क भी मिल जाएगी जस्टिस के एम पांडे की कहानी बहुत गजब की है जानते हैं आप एक फरवरी उन्नीस को जब जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया उनके पास पाकिस्तान से धमकी आती थी वो तो चिट्ठी का जमाना था या टेलीफोन ट्रंक कॉल का जमाना था जस्टिस के एम पांडे की जो बेटी है वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान से धमकी आई लेकिन जस्टिस के एम पांडे कभी हिले नहीं कभी डिगे नहीं क्योंकि जस्टिस के एम पांडे को यह लगता था कि जो भी उन्होंने फैसला राम मंदिर का ताला खुलवाने को लेकर के सुनाया है कभी वो आ, सियासत से मैनिपुलेट नहीं हुए कभी किसी का दबाव झेला नहीं कभी किसी का दबाव सहा नहीं जस्टिस के एम पांडे के जो भतीजे हैं उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि हाई कोर्ट के जज बन सकते थे जस्टिस के एम पांडे लेकिन उस वक्त की सरकार ने जस्टिस के एम पांडे का प्रमोशन होने नहीं दिया आज पूरा देश जस्टिस के एम पांडे को याद करता है उस ऐतिहासिक फैसले के लिए उनके बारे में कुछ और भी बातें मैं बताता हूँ जस्टिस के एम पांडे की एक और कहानी है कि जिस वक्त जस्टिस के पांडे एक फरवरी उन्नीस को राम मंदिर का ताला खुलने का फैसला सुना रहे थे उस वक्त उनकी अदालत के शीर्ष पर अदालत की जो इमारत थी उसके ऊपर एक बंदर आकर के बैठा जस्टिस के पांडे देखने लगे ये बंदर कौन है जस्टिस के पांडे ने अपने लोगों से कहा वहाँ के मौजूद लोगों से कहा अरे इसे कुछ खिला तो दीजिए लेकिन उस बंदर ने तब तक कुछ नहीं खाया जब तक अदालत का फैसला नहीं आ गया उसके बाद वही बंदर जस्टिस के एम पांडे को अपने घर पर भी नजर आए घर वाले ये कहते हैं कि जस्टिस के एम पांडे हमेशा अपने जीवन भर उसे प्रभु की महिमा ही समझते थे खुद जस्टिस के एम पांडे रामलला के टेंट में रहने पर बहुत ज़्यादा उदास रहते थे बहुत ज़्यादा खिन्न रहते थे और ये सोचते थे कि क्यों आखिरकार सनातन धर्म के जितने आ, जितने ध्वजावाहक हैं या सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं उनको अपने अधिकार के लिए इतनी लंबी लड़ाई आखिरकार क्यों लड़नी पड़ रही है लेकिन जस्टिस के एम पांडे ने चाहे वो चाहे वो 1940 के दशक अंत जो पूरे केस का रहा या फिर 1980 के दशक में जब केस फाइल किया गया उन साल 1985 में उसे पढ़ा समझा जाना और यह भी जाना कि सनातन धर्म के जो अधिकार हैं पिछले उन अधिकारों के लिए पिछले कई साल ही नहीं कई दशक ही नहीं बल्कि कई सदियों से लड़ाई लड़ी जा रही है ये कहानी थी जस्टिस के एम पांडे की अयोध्या से जुड़े हुए कई किरदार हैं उनकी कई कहानियां मेरे पास में है एक एक करके मैं आपको सुनाता रहूंगा नमस्ते